हेलो दोस्तों, हेलो फ्रेंड्स। वेलकम बैक टू आर न्यू व्लॉग। और आज के व्लॉग की स्टार्टिंग हो रही है नाइट से, क्योंकि हमने प्लान बनाया है 3 4 दिनों के लिए घूमने जाने का। और कहाँ जा रहे हैं वो हम आपको कल नहीं अभी बताएंगे, क्योंकि हम जा रहे हैं धर्मशाला धर्मशाला हिमाचल घूमने। घूमने। मेरा भी फर्स्ट टाइम है और दिव्या का भी फर्स्ट टाइम है, तो हम काफ़ी एक्साइटेड है। यस और पैकिंग हमने कल रात को ही कर ली थी, ये सारा सामान हमने 3 बैग पैक कर लिए, पैकिंग हमने कल रात को ही कर ली थी। और अभी बस बस निकलने का ही प्रोग्राम है, क्योंकि खाना भी खा लिया है, तो ज़्यादा इंतज़ार ना करते हुए, क्योंकि निकलते हैं। लेट हो जाएंगे तो फिर ट्रेन निकल सकती है ना, हाँ तो फटाफट निकलते हैं और आप लोगों के साथ शेयर करेंगे काफ़ी सारी डिटेल्स। तो गाइस, बैग मैंने उठा लिया है और मैं प्रेफर करता हूँ पजामे में और नॉर्मल कंफर्ट अपने उसमें जाने का, तो मैंने तो ये पहन लिया है और दिव्या ने भी कुछ ऐसा ही पहना है। कंफर्टेबल ही रहना चाहिए, क्योंकि जर्नी में जितना कंफर्टेबल रहोगे उतना आपके लिए बेस्ट रहेगा, जर्नी अच्छे से बीतेगी, है ना। तो अभी बैग उठाते हैं और फटाफट निकलते हैं नीचे, और मम्मी पापा से मिलते हैं नीचे, सबसे मिलते हैं और फिर चलते हैं। तो अभी हम निकल चुके हैं पैदल पैदल रिक्शे के लिए। एक्चुअली थोड़ा सा ज़्यादा चलना पड़ रहा है हमें, क्योंकि आगे से हमें थोड़ी मिठाई लेनी है, वो लेके फिर रिक्शा करेंगे नागलोई के लिए और फिर चलेंगे आगे, है ना। क्या कहती हो, मज़ा आ रहा है? और क्या अभी कहाँ, अभी तो आने वाले हैं। तो गाइज ये है दिव्या जी, हम लोग उतर गए थे, रिक्शा ने तो टाइम से पहुँचा दिया, बस बस का वेट कर रहे हैं। बस का इसलिए इंतज़ार कर रहे हैं क्योंकि ज़्यादा दूर है नहीं हमारा, तो इसीलिए हम बस से जाने की सोच रहे हैं, और बस यहाँ पे इजीली मिल जाती है, तो अभी मैंने सोचा थोड़ा देर वेट तो कर ही लेते हैं। तो अभी हमने बस भी पकड़ ली है, होपफुली टाइमली पकड़ ली है, और अभी जल्दी पहुंच जाएंगे हम लोग, है ना। क्या कहती हो? हाँ, ये कौन से नंबर की बस है? 918 918 918 DTC बिल्कुल खाली पड़ी है इस समय, है ना। DTC बिल्कुल खाली पड़ी है और दिव्या का चेहरा चमचमाता हुआ। हाँ, तो गाइज एज यूजुअल हमारे साथ फिर से पोपट हो गया है, हम है पोपटों के बादशाह। दिव्या हंस रही है और आपको बताता हूँ क्या हमारे साथ, हमारी जो ट्रेन थी धौलाधार एक्सप्रेस, और वैसे जम्मू और हिमाचल की जितनी भी ट्रेन थी सारी ही कैंसिल हो गई हैं, और अनफॉर्चुनेटली हम जा नहीं पाएंगे अब मेट्रो से, ओह सॉरी ट्रेन से नहीं जा पाएंगे। लेकिन अब हम क्या कर रहे हैं, एक और अपना लक आजमा रहे हैं, और अब हमने पकड़ लिया है मेट्रो, और मेट्रो से हम सोच रहे हैं कि मेट्रो से जाते हैं कश्मीरी गेट, और कश्मीरी गेट से बस पकड़ेंगे अगर मिल जाएगी तो होपफुली हमें मिल जाए वो बस, और फिर हम फटाफट अपनी जर्नी के लिए जा पाए। तो देखते हैं, किसी ने हमें सजेस्ट किया कि आप कश्मीरी गेट चले जाओ, वहाँ से बस पकड़ लो, आपको मिल जाएगी, क्योंकि अभी हमारे पास टाइम है थोड़ा, तो अभी हम ट्राई करते हैं कि इंस्टेंट मिल जाती है कि नहीं मिलती, और फिर आप लोगों के साथ शेयर करेंगे। हाँ, तो दिव्या भी कुछ कहना चाह रही थी। हाँ दिव्या बताओ, क्या कह रहे थे तुम? घर से हम आए ट्रेन पकड़ने, ट्रेन से पकड़ ली हमने मेट्रो, अब मेट्रो से जा रहे हैं बस पकड़ने, और बस ना मिली तो फिर वापस घर। नहीं ऐसा नहीं होगा, अभी हम जाएंगे वहां से कंटिन्यूसली चलती है, एक फ्रेंड ने बताया। दिल्ली घूम के सुबह घर? नहीं नहीं ऐसा नहीं होगा, बोलेंगे नहीं नहीं ऐसा नहीं होगा, वहाँ से कंटिन्यूसली चलती है बस, किसी ने बताया हमें, तो अभी हम वहाँ जा रहे हैं पहले। तो ये लो जी, अब आ गए हम अंतर्राष्ट्रीय बस अड्डा ISBT कश्मीरी गेट, और यहाँ से अब देखते हैं अपने को बस पकड़नी है फटाफट। बस अड्डे तो पहुँच गए, क्या बोलते, मिल जाएगी बस? हाँ, मिल जाएगी, मिल जाएगी ना। चलो अब चलते हैं। तो गाइस गुड मॉर्निंग, आज है नेक्स्ट डे और आज हम पहुंच चुके हैं उत्तराखंड। जैसे कि आपको मैंने पहले दिखाया कितना सारा हमारे साथ ट्रेजेडी होगी पोपट पे पोपट, तो हम लोगों ने इंस्टेंटली वहाँ पे डिसीजन लिया और हिमाचल ना जाकर
ना जा करके हम जा ही नहीं पा रहे थे हिमाचल, बस भी नहीं मिली और ट्रेन भी नहीं मिली, तो हमने डिसीजन लिया कि हम उत्तराखंड चलते हैं। और हमने इंस्टेंटली मतलब एक चाय पी और फटाफट डिसीजन लिया कि उत्तराखंड के लिए बस पकड़ते हैं और फटाफट आ गए। और मूड थोड़ा ऐसा हो गया था ऑफ सा, तो मैंने ज़्यादा वीडियो शूट भी नहीं किया, तो इसीलिए हम आकर सीधे सो गए थे क्योंकि लेट भी काफ़ी हो गए थे, 4-5 सुबह के 5 बज गए थे। तो हम आए और रूम किया और डायरेक्ट सो गए और अभी उठे हैं, तो इसलिए आज की वीडियो को यहाँ से स्टार्ट किया मैंने। और आज का हम यहीं पर एक्सप्लोर करने वाले हैं। तो करंटली हमें देहरादून में, अभी मैं होटल में ही हूँ। तो गाइस अभी हो गए हम रेडी और मैं भी रेडी हो गई, दोनों रेडी हो गए। और अब अभी आप लोगों को थोड़ा सा रूम टूर दिखा देता हूँ। थोड़ा सा गंदा हो रहा है क्योंकि अब होटल का रूम है तो थोड़ा बहुत तो हो गई, लेकिन बहुत ज़्यादा हैवी वैसा हमने रूम नहीं लिया, बहुत सिंपल। और क्योंकि 5 बजे यार 4-4:30 बजे ऐसा रूम भी मिल गया हमको, वो भी बहुत बड़ी बात है। तो गाइस ये है रूम, थोड़ा सा फैला पड़ा है और दिव्या जी भी रेडी हो ही गई हैं और टीवी भी दे रखा है इन्होंने, लेकिन मुझे नहीं लगता इसका यूज़ होने वाला है। और इधर वॉशरूम है, रूम काफ़ी बड़ा है, वैसे काफ़ी बड़ा रूम है क्योंकि इधर भी एरिया काफ़ी है, इधर भी एरिया काफ़ी है और ड्रेसिंग भी दे रखा है, तो ओवरऑल रूम तो ठीक है। तो गाइस एरिया तो ये भी अच्छा लग रहा है, देहरादून काफ़ी क्लीन अभी तक तो जितना देखा है। और अभी हम आए थे ATM में, दिव्या थोड़ा पैसा निकाल रही है क्योंकि कैश की ज़रूरत तो पड़ती है, अब कहाँ कहाँ हम फ़ोन पे ATM यूज़ करते रहेंगे। ओवरऑल तो मुझे बढ़िया लग रहा है अभी तक, और जैसे जैसे दिखता रहता आपको और भी दिखाएंगे। तो दोस्तों अभी हम सुबह थोड़ा सा नाश्ता करने के लिए, ज़्यादा तो कुछ मिला नहीं लेकिन 2 चाय हमने ले ली और 2 बन ले ली, तो अभी हम इंजॉय करते हैं इनको और फिर उसके बाद बाइक लेंगे। तो गाइस थोड़ा सा हमने चाय वगैरह तो पी ली थी और अभी हम आ गए हैं बाइक रेंट लेने के लिए, और ये है हमारे पीछे शॉप, यहाँ से हम लेने वाले हैं भैया से। और अभी आपको दिखाता हूँ कौन सी बाइक हम देखने वाले हैं, वैसे पसंद तो हम थोड़ी देर में करेंगे और दिखा देता हूँ आपको कौन कौन सी बाइक हैं। तो गाइस जहाँ हमने रूम लिया था नियर बाई ही ISBT के, और वहीं पर आपको यहाँ पर दिख जाएगा बाइक्स ऑन रेंट का बोर्ड, आप भी आगे यहाँ से ले सकते हैं UK 7 बाइक रेंटल। और हमने बुक तो कर ली है एक बाइक, वो भैया लेने गए हैं अपने शोरूम से, और अभी यहाँ पे सारी चीज़ें होती हैं। अगर आप स्कूटी लेना चाहते हैं तो स्कूटी ले सकते हैं, स्कूटी का रेट 500-600 है और बाइक्स का है, बाइक का डिपेंड करता है CC के ऊपर। जो ये वाली बाइक है ये अराउंड 800 है और जो आगे है वो 900 है, और बुलेट भी मिल जाती है, तो आप उसी के अकॉर्डिंगली अपना रेट डिसाइड करके देख सकते हैं जो भी आपको चाहिए। अभी हमने जो ली है वो 100 CC की बाइक ली है, वो जस्ट अभी आती है तो हम आपको दिखाते हैं। और तो ये वाली बाइक हमने यहाँ से बुक करी है, ये ज़्यादा महंगी भी नहीं है और ज़्यादा सस्ती भी नहीं है और एवरेज भी ठीक ठाक दे देगी। तो अभी दिव्या जी ने कर दिया है ऑर्डर हमारे ब्रेकफास्ट के लिए, ब्रेकफास्ट और हमारा थोड़ा लेट, ब्रेकफास्ट और लंच दोनों को मिला के ही हो रहा है। और भैया अभी लेके आएंगे, ताज़े ताज़े समोसे बन रहे हैं यहाँ पे, देखो यही बना के अभी लेके आएंगे, दिव्या को मज़ा आ रहा है। अभी अपने आ गए पहले छोले समोसे, पहले इसको निपटाते हैं है ना दिव्या, फिर उसके बाद चाय भी आने वाली है। कैसा लग रहा है दिव्या समोसा, छोला समोसा? मेरे को तो बड़ा टेस्टी लगा, अच्छा है? खाओ खाओ, शर्म तो है नहीं शर्म पेट भरने के लिए कोई शर्म थोड़ी ना हो रही है, लोग तो यार इंसानों को मार के खा जाते हैं, मैं तो समोसा ही खा देती हूँ।